तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम में यू आई डी ए आई ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलनी है। उसे फर्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है, उस पर पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दिख रहा है आपको ई आधार डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करें तो एक पेज खुलेगा जिस पर आपका आधार कार्ड नंबर मांग रहा है। उस पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, जो भी आपका आधार नंबर है 12 अंकों का, उसको टाइप करते हैं। मैंने टाइप कर दिया है। उसके बाद नीचे मांग रहा है कैप्चा, इसको हम फिल करते हैं। बिल्कुल सेम फिल करना जैसे नीचे शो कर रहा है, उसके कैपिटल स्मॉल जो भी है उसको देख के। ये इसको मैंने फिल कर दिया है कैप्चा को। देन उसके बाद हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा, जो भी आधार कार्ड से लिंक है आपका मोबाइल नंबर, 6 डिजिट का मोबाइल नंबर पे जाएगा ओटीपी। ओटीपी हमने डालना है इंटर ओटीपी पे, या मांग रहा है ओटीपी। मैंने ओटीपी डाल दिया, ये इसका मतलब है इसमें नो करना है, क्योंकि हमने अभी कोई अप्लाई नहीं किया है गवर्नमेंट से आधार कार्ड के लिए। फिर अगेन इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद 10 से 15 दिन में आपको कुछ मिला है तो हमें नहीं मिला, हमने नो कर दिया है। वेरीफाई एंड डाउनलोड, आपको ओटीपी वेरीफाई करनी है एंड डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक कर दिया है। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू है। डाउनलोड हो गया, उसका मेरे पास मैसेज आ गया है। अभी इसमें पेज खुलेगा WPS में, जिसमें हमको पासवर्ड डालना होगा, आधार कार्ड PDF का पासवर्ड मांगता है। ये मेरा पेज खुल गया है। पासवर्ड इसमें होता है आपके नाम का फर्स्ट 4 अक्षर जो है वो कैपिटल में डालना होता है, और आपका बर्थ ऑफ ईयर, जैसे आप 1995 जो भी जिसमें आपका बर्थ हुआ हो उसमें आपको डालना है। तो मैंने अपना डाल दिया है, मेरा देखिए आधार कार्ड ओपन हो गया है। अब आप इस आधार कार्ड को अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी किसी भी टाइम के लिए, और इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो जी, ये रहा आज का हमारा आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।